हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने आपको दिखाया था चक्री और अनार और छुरछुरी फुलझड़ी वगैरह के स्टैश। तो दोस्तों वो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, इसलिए अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं बॉम्ब, रॉकेट्स और छोटे स्काई शॉट। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दोस्तों है मैजिक विप, स्टैंडर्ड का है, काफ़ी अच्छा होता है और दोस्तों 74 रुपये का एक डब्बा ये पड़ता है। ये मैंने 3 डब्बा खरीदा है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों ये बुलेट बॉम्ब। तो ये दोस्तों मैंने 10 डब्बा खरीदा था और एक डब्बा दोस्तों 28 रुपये का ये मुझे मिला था, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास ये सुपर टोन, दोस्तों नाजी के साइज़ का बॉम्ब होता है ये, राजेश्वरी फायरवर्क्स का है और 85 रुपीज़ पर बॉक्स, 85 रुपये डब्बे के हिसाब से मुझे ये पड़ा था। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं हाइड्रो बॉम्ब, आलू बॉम्ब भी हम लोग इसको बोलते हैं, ये कॉक ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा रहता है और दोस्तों ये मुझे 50 रुपये डब्बे के हिसाब से पड़ा था और मैं इसे 6 डब्बा लेके आया हूँ। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये बिजली क्रैकर, इसके बिना तो दिवाली चलता नहीं है। तो दोस्तों ये डब ब्रांड का है, राजेश्वरी ब्रांड का, काफ़ी अच्छा रहता है राजेश्वरी ब्रांड का पटाखे। और दोस्तों प्राइस का बात करें तो ये 35 रुपये पैकेट के हिसाब से मिला और मैंने इसे 10 पैकेट खरीदा था। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आइटम के तरफ अगर हम लोग बढ़े, लड़ के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो दोस्तों ये मेरे पास कुछ लड़ी मैं लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों ये श्रीपोती कंपनी का है, ये 38 रुपये पैकेट के हिसाब से पड़ा था। और दोस्तों साथ में हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड का, काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, और ये मुझे पड़ा था 49 रुपीज़ का और इसमें MRP लिखा हुआ है 151 रुपये, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इसका खास बात क्या है, मैं खोल के दिखाता हूँ, अलग लेवल पे है स्टैंडर्ड का के पटाखे। देखिए दोस्तों इस तरह का पैकिंग में आता है और इसे निकालना नहीं, इसके साथ में ही जलाना होता है, तो क्वालिटी वाला पटाखा है स्टैंडर्ड का। तो ये मैं 3 पैकेट लेकर के आया था। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बढ़े तो डीलक्स वाले के ऊपर, तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड का डीलक्स वाला, इसका साइज देखिए काफ़ी बढ़िया है, ये मुझे 70 रुपये का पड़ा था, एक मैंने लिया। फिर दोस्तों ये बड़ा वाला स्टैंडर्ड का, ये देखिए स्टैंडर्ड का रेड फोर्ट इलेक्ट्रिक क्रैकर, ये 126 रुपये के हिसाब से मुझे पड़ा था, काफ़ी बढ़िया है ये बड़ा वाला, और ये मैं 3 पैकेट लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लड़के ऊपर, तो इंडिगो का दोस्तों 1000 वाला है। इंडिगो का खास बात क्या है, ये काफ़ी अच्छा चलता है और बहुत बढ़िया से फुटता है, और दोस्तों ये मुझे 260 रुपये का पड़ा था। एक दोस्तों पुराना पैकिंग में है और दोस्तों दो जो है वो नया पैकिंग में कुछ इस तरह का पैकिंग है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसकी भी टेस्टिंग मैं करूँगा और चैनल पर डालूंगा, या दोस्तों चैनल पर आ चुका होगा तो प्लीज़ चैनल को एक बार जा करके देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट आइटम हमारे पास है ये टू साउंड, ये कृष्णा कंपनी का है, काफ़ी बढ़िया होता है कृष्णा कंपनी का टू साउंड जो है, मतलब अच्छा होता है, इसका आवाज़ भी काफ़ी तेज होता है। ये दोस्तों मुझे 25 रुपये पर पैकेट के हिसाब से पड़ा और दोस्तों ये मेरे पास 10 पैकेट है टोटल। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो है वो है सिग्नल रॉकेट, कॉक ब्रांड का है दोस्तों, और ये जो है इसमें 3 पीस एक के पैकिंग में आता है दोस्तों, और मैं 5 पैकेट लेकर के आया था दोस्तों, और 450 रुपये का पूरा डब्बा मुझे ये पड़ा, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। और दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास ये कृष्णा कंपनी का कलर कलेक्शंस, ये भी काफ़ी अच्छा स्काई शॉट है, छोटा छोटा पेंटा के साइज़ का है। प्राइसिंग का बात करें तो 464 रुपये इसमें लिखा हुआ है और ये हमें 110 का मिला। और अगर दोस्तों मैं इसे खोल के दिखाऊँ तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सा पैकेजिंग में ये आता है और इसके साथ एक स्टैंड भी है लगाने के लिए, तो इसे भी मैं टेस्ट करूंगा, या दोस्तों वीडियो आ चुका होगा इसका टेस्टिंग का चैनल पे, तो प्लीज़ एक बार चैनल को चेक कर दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है स्काई विसल, कॉक ब्रांड का है, काफ़ी बढ़िया रहता है, तो दोस्तों ये मुझे 65 रुपये डब्बे के हिसाब से पड़ा था, और दोस्तों ये हमारे पास 2 डब्बा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये स्टैंडर्ड का सर्वेयर रॉकेट्स, छोटा सा रॉकेट है दोस्तों लेकिन काफ़ी कमाल का है, ऊपर जाके अनार टाइप कुछ निकलता है इसमें से,
और दोस्तों ये 63 रुपये डब्बे के हिसाब से पड़ा था, 10-10 पीस आता है दोस्तों एक डब्बा में इसमें, और MRP इसमें 232 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से लिखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है स्टैंडर्ड फायरवर्क्स का ही बॉम्ब रॉकेट, काफ़ी गजब का रॉकेट है दोस्तों, 100 रुपये डब्बे के हिसाब से पड़ा था मुझे, मैं इसे एक डब्बा लिया हूँ और MRP इसमें लिखी हुई है दोस्तों 431 रुपये, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों रॉकेट इसका अगर मैं दिखाऊँ, ये देखिए काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ रॉकेट है और ऊपर में देखिए प्लास्टिक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ये लूनिक रॉकेट दोस्तों, तो ये काफ़ी फेमस रॉकेट है कॉक ब्रांड का, मैं इसे 5 डब्बा ख़रीदा हूँ क्योंकि रॉकेट चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है दिवाली में। तो दोस्तों ये मुझे 137 रुपये डब्बे के हिसाब से पड़ा था 5 डब्बा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फायरवर्क्स का ही रोहिणी रॉकेट, ये लूनिक एक्सप्रेस से भी थोड़ा बड़ा रॉकेट है। और दोस्तों प्राइसिंग का बात करें तो ये मुझे पड़ा था 194 रुपये का, और इसमें MRP जो दी हुई है अगर आप लोग देख सकते हैं तो 715 रुपये इसमें MRP दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रॉकेट है स्टैंडर्ड का, इसे भी मैं टेस्ट करूंगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये विस्लिंग रॉकेट, ये सब मतलब गोल्डन विलो से भी साइज में बड़ा होता है लेकिन ज़्यादा देर चलता नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा आवाज़ करता है विस्लिंग रॉकेट। और दोस्तों प्राइस का बात करें तो 430 रुपये लिखे हुए इसमें, और ये मुझे 155 रुपये डब्बे के हिसाब से पड़ा था। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है गोल्डन विलो रॉकेट, और साथ में दोस्तों हमारे पास है ये सुपरस्टार रॉकेट, दोनों सबसे बड़ा रॉकेट होता है कॉक ब्रांड का। और अंदर अगर मैं आपको खोल करके दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसका रॉकेट होता है जो कि काफ़ी बढ़िया होता है, और दोनों दोस्तों मुझे 335 रुपये के आसपास का पड़ा था दोनों डब्बा। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है कॉक ब्रांड का है। तो दोस्तों अब छोटे स्काई शॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ये सुपर स्टार, इसमें डबल एक्शन भी लिखा हुआ है, और डबल एक्शन का मतलब कि ऊपर जा करके 2 बार फटेगा, और इसमें क्रैकलिंग भी है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों ये 3 है अलग अलग सुपर स्टार, अलग अलग कलर के, और तीनों दोस्तों मुझे 74 रुपीज करके पड़ा था एक एक। तो ये भी काफ़ी अच्छा छोटा सा स्काई शॉट है स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये 2 स्टार प्लस है एक दोस्तों, और एक है गोल्डन ड्रीम्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं ये श्री पोती कंपनी का है, इसे भी मैं टेस्ट करूंगा या टेस्टिंग आ गई होगी दोस्तों। और इसका प्राइस का अगर बात करें तो ये हमें पड़ा था 140 रुपये के आसपास का दोनों, एक 140 करके पड़ा था दोस्तों। फिर हमारे पास दोस्तों ये है स्टैंडर्ड का, काफ़ी बढ़िया है, छोटा स्काई शॉट ही है, एक है सिल्की एक है 2 क्लास, और प्राइसिंग का बात करें तो ये हमें 138 रुपये ईच के हिसाब से, दोनों 138 का था, और 533 रुपये इसमें MRP लिखे हुए, 553 रुपये। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं केक्स के तरफ, या रिपीटिंग शॉट या 12 स्टार ये सब के तरफ, वो भी काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले श्री पोती का 12 स्टार है, ये भी काफ़ी महंगा आता है, 205 रुपये का मुझे पड़ा था। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास 12 स्टार कॉक ब्रांड का, काफ़ी फेमस रहता है, लगभग आप लोग सभी ने देखा होगा कैसा होता है। और दोस्तों प्राइस का अगर बात करें तो इसमें MRP दिया हुआ है 445 रुपये, और दोस्तों ये हमें पड़ा था 135 रुपये का। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है 15 स्टार कॉक ब्रांड का, ये सेम होता है बस इसमें 15 शॉट निकलता है, ये मुझे 153 का पड़ा था दोस्तों, और इसमें MRP 475 रुपये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी यूनिक सा नया नया सा है स्टैंडर्ड का बन फाइट दोस्तों, 12 शॉट 15 शॉट 20 शॉट आता है, लेकिन दोस्तों ये 6 शॉट है, 505 रुपये इसमें MRP लिखा हुआ है दोस्तों, और ये मुझे 126 रुपये का पड़ा था। तो इसे भी मैं टेस्ट करूंगा, या दोस्तों टेस्टिंग की वीडियो आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को देखिएगा जा करके। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये 6 शॉट दोबारा, इसका नाम है वाइज दोस्तों, ये भी 126 रुपये का पड़ा था मुझे, और MRP 505 रुपये लिखे हुए, और स्टैंडर्ड का है तो काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आइटम है हमारे पास, ये भी दोस्तों स्काई शॉट है, इससे कलर बॉल निकलता है, इसमें एक पीस है हैप्पी ड्रीम्स, ये भी स्टैंडर्ड का छोटा सा है,
और दोस्तों प्राइस का बात करें तो ये भी दोस्तों 126 रुपए का मुझे पड़ा था। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये है रेनबो बैरेज, काफ़ी भारी सा है, स्टैंडर्ड का ही है, तो उम्मीद करते हैं बढ़िया चलेगा। और दोस्तों प्राइस का अगर बात करें तो ये मुझे 234 रुपए का पड़ा था और इसमें MRP 660 रुपए लिखे हुए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट, अब आज का जो आखिरी दो आइटम है वो है स्काई वॉश 12 शॉट है स्टैंडर्ड का, ये मुझे 138 रुपए का पड़ा था, देखते कैसा रहेगा। और दोस्तों नेक्स्ट आइटम के पहले बता दूं कि इसके पहले एक और वीडियो आई हुई है जिसमें चक्री और अनार और फुल झड़ियाँ की रिव्यू है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं वो स्टैश का वीडियो को। और दोस्तों वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को पूरे स्काई शॉट की स्टैश, जो आखिरी स्टैश रहेगा मेरा, वो दिखाऊंगा पार्ट 3 में, तो वो भी चैनल पे आ गया होगा तो जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर वो आ जाएगा तो उसमें सारी स्काई शॉट है। तो लास्ट आइटम दोस्तों आज का हमारे पास 12 वेबॉट 12, काफ़ी यूनिक सा अजीब सा नाम है, स्टैंडर्ड का है, 12 शॉट है ये भी, और दोस्तों ये भी मुझे 138 रुपए का पड़ा था। और MRP का बात करें तो इसमें दिया हुआ है 553 रुपीस, 553 रुपए, और मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो इसे भी मैं टेस्ट करूंगा। तो दोस्तों यही था हमारा दिवाली स्टैश का पार्ट 2, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 3 भी चैनल पे है तो उसे भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मदद मिले इस साल दिवाली में कौन से पटाखे खरीदने हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।